पिछले कई सालों में हमने टेक्नोलॉजी को काफी बदलते हुए देखा है। इसी विकास से जुड़ी कुछ अनोखी और दिलचस्प कहानियां हम आपको बताएंगे अपने इस नए शो में जिसका नाम है टेक यात्रा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। कुछ दिन पहले 27 अप्रैल को गूगल ने अनाउंस किया था कि वो अगले कुछ सप्ताहों में अपने 10 सबसे पॉपुलर गूगल डूडल गेम्स वापस लाएगा। तो हमने सोचा क्यों ना आज के इस पहले एपिसोड में हम आपको गूगल डूडल्स के ओरिजिन्स के बारे में बताएं, जो आज से 22 साल पहले 1998 में शुरू हुए थे। तो आइए हम आपको ब्रीफ में गूगल के इस अनोखे पहलू के बारे में बताते हैं। इस वीडियो में हम आपको अपने टॉप 5 फेवरेट गूगल डूडल गेम्स के बारे में भी बताएंगे, तो स्टे ट्यून। सबसे पहले जानते हैं कि गूगल डूडल एग्जैक्टली क्या होता है। वेल, गूगल कुछ खास इवेंट्स और हॉलीडेज के लिए अपने होम पेज के लोगों को चेंज करके उसमें कोई यूनिक आर्ट का प्रयोग करता है। ये इतिहास के उस दिन या उस व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए होता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि रिपब्लिक डे या गांधी जयंती पर गूगल की होम पेज पर कुछ ना कुछ यूनिक ज़रूर होता है। इसी लोगों को गूगल डूडल कहते हैं। गूगल ने पहली बार डूडल 31 अगस्त 1998 में बनाया था बर्निंग मैन एनुअल इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। ये गूगल के को फाउंडर्स लारी पेज और सर्गेई ब्रिन ने बनाया था अपने यूजर्स को बताने के लिए कि वो इस इवेंट में जा रहे हैं और अगर उस दिन सर्वर क्रैश होता है तो वो उसे देख नहीं पाएंगे। अगले कुछ डूडल्स गूगल ने कॉन्ट्रैक्ट पर बनवाए थे, लेकिन फिर 2001 से वो गूगल सब इन हाउस बनने लगे। गूगल ने एक स्पेशल टीम बनाई डूडल्स बनाने के लिए, जिनका नाम रखा गया डूडलर्स। शुरू के गूगल डूडल्स बहुत सिंपल होते थे, जिनमें बस एक इमेज होती थी जिस पर क्रिएटिवली गूगल लिखा होता था। अगर आप इन इमेजेस के ऊपर अपना माउस ले जाते थे तो आपको एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स दिखता था जिसमें वो किस दिन को सेलिब्रेट कर रहा है वो लिखा होता था। हम में से जो लोग बहुत टाइम से गूगल यूज़ कर रहे हैं उन्हें याद होगा कि पहले के डूडल्स कितने सिंपल होते थे। लेकिन ये चेंज होने लगा 2010 से, जब गूगल के डूडल्स और भी क्रिएटिव होने लगे। जनवरी 2010 में गूगल ने अपना पहला एनिमेटेड डूडल लॉन्च किया सर आइजक न्यूटन की बर्थ एनिवर्सरी के लिए। यहाँ से गूगल ने इंटरैक्टिव डूडल्स की भी शुरुआत करी। इसके कुछ समय बाद ही मई 2010 में गूगल ने अपना पहला इंटरैक्टिव गूगल लॉन्च किया जिसमें आप पैकमैन खेल सकते थे। पैकमैन हम में से कुछ लोगों को याद है, बहुत पॉपुलर गेम था वीडियो गेम्स की शुरुआत में। ऐसे ही गूगल और डूडल्स बनाने लगा जिनको आप क्लिक कर सकते थे और उनका मतलब भी जान सकते थे। इस तरह गूगल ने पिछले दशक में अलग अलग देशों के विचित्र हस्तियों और इतिहास के सम्मान में कई तरह के डूडल्स बनाए। अब तक गूगल की डूडलर्स टीम 4000 से ज़्यादा डूडल्स बना चुकी। 2008 से गूगल ने एक नया इनिशिएटिव भी लॉन्च किया जिसका नाम है डूडल फॉर गूगल। ये एक एनुअल कॉम्पिटिशन है जिसमें स्कूल के बच्चे गूगल के लोगों के लिए कोई भी क्रिएटिव डूडल बनाकर सबमिट कर सकते हैं। अगर उनकी एंट्री जीत जाती है तो उन्हें $30,000 तक की कॉलेज स्पॉन्सरशिप और कई अनोखे गिफ्ट्स मिलते हैं। और ऑफकोर्स उनका डूडल गूगल के होम पेज पर भी फीचर होता है। हर साल गूगल एक थीम देता है जिस पर स्टूडेंट्स को ये डूडल बनाना होता है। 2009 से ये कॉम्पिटिशन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन है। तो अगर आप या आपकी पहचान के किसी बच्चे में आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी है तो उन्हें ज़रूर सबमिट करने को बोलें। अब हम लोग आपको बताते हैं उन टॉप 5 गूगल डूडल गेम्स के बारे में जो हम लोगों को सबसे मज़ेदार लगे। इन सब की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सबसे पहले तो आता है गूगल का पैकमैन डूडल गेम। ये पैकमैन की 30वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था और हमें बहुत ही फन लगा। इस डूडल में आप गूगल के लोगो में ही पैकमैन खेल सकते हैं। सेकेंड स्पॉट पर है गूगल का एक बास्केटबॉल डूडल गेम जो 2012 में आया था। ये भी टाइम पास करने के लिए एक बहुत बढ़िया गेम है जिसका मकसद है क्लिक और होल्ड करके बास्केटबॉल को नेट में डालना और टाइम लिमिट में सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर करना। अगर आपको न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड्स भरना पसंद है तो आपको तीसरा डूडल भी बहुत पसंद आएगा। 2013 में गूगल ने क्रॉसवर्ड्स की 100वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए
एक बहुत यूनिक डूडल गेम बनाया था। इस डूडल में आप लोगों में ही एक क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर सकते थे। अगर आप एक मेंटल चैलेंज चाहते हैं तो 2014 का रूबिक्स क्यूब डूडल आपको बहुत अच्छा लगेगा। भाई मुझसे तो रूबिक्स क्यूब सॉल्व नहीं होते, लेकिन अगर आप लोग कर सकते हैं तो कमेंट्स में हम लोगों को ज़रूर बताइए कि आपको सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। और फाइनली अगर आपको डीजे मिक्सिंग स्किल्स टेस्ट करनी है तो आप गूगल के 2017 के इस डूडल में ये कर सकते हैं। ये हिप हॉप की 44th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में बनाया गया था और इस डूडल में आप किसी गाने को थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। तो ये थी हमारी टॉप 5 गूगल डूडल गेम्स डूडल्स की एक ब्रीफ हिस्ट्री के साथ। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा गेम सबसे अच्छा लगा। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली टेक यात्रा। अगर आपको ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बताएं और आगे आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली टेक यात्रा पर दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर।